हाल ही में तीन कानून किसानों के फायदे के बता करके पारित कराए हैं, जिनको कानून बना दिया गया है, लेकिन उन तीनों कानूनों की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से किसान के खिलाफ है। पूरे देश का किसान आक्रोशित है, उद्वेगित है। कांग्रेस पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और उनके नेतृत्व में पूरे देश की कांग्रेस इस मुश्किल के समय में किसानों के साथ में खड़ी है। जो तीन कानून बिल ला करके आनन फानन में पारित कराए गए, फिर उनको अधिनियम बनाया गया, उन तीनों कानूनों के जरिए किसान को कमजोर करने का फैसला हुआ है, किसान को बर्बाद करने का फैसला हुआ है। और ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि इन तीनों को ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया गया, जो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले किसान की आमदनी को दुगुना करने की बात करते थे, लागत का कम से कम 50% मुनाफा देने की बात करते थे, और अपने समय में उन्होंने लिख के दिया था कि केंद्र सरकार कानून बनाए यूपीए सरकार किसान के लिए और उस कानून में एमएसपी अनिवार्य किया जाए, वो मोदी जी अपनी बात से पलट गए। इन तीनों कानूनों में मंडी व्यवस्था को खत्म करके एमएसपी को खत्म करने का षड्यंत्र है, बड़े उद्योगपतियों से साथ करके उनको लाइसेंस दे करके किसान की उपज के ऊपर कब्जा कराने का षड्यंत्र है, नए नए तरीके के बिचौलिए पैदा करने का षड्यंत्र है, बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश का कृषि उपज का किसान की उपज का ठेका देने का ये जो कानून है वो पूरी तरीके से किसान के खिलाफ है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसके माध्यम से किसान की व्यापारी उपज लेकर के उन्हें पौने दामों में स्टॉक कर लेगा, कालाबाजारी करेगा, मार्केट में उस वस्तु की कमी बता करके और उसको दोगुने दामों में बेच सकेगा। उस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि जब तक दुगुना पैसा किसान की उपज का व्यापारी ले रहा है तब तक कोई कानून उसके दिक्कत नहीं करेगा। इस सब गोल उदाहरण के लिए अगर जो पैदा पूरे देश में होती है, अगर एक व्यापारी ने उसका सौदा कर लिया और सौदा करने के बाद में कमी बता करके अगर उसके दुगुने दाम ले लिए दूसरे ही दिन, तो ये कानून कुछ नहीं कर पाएगा। सिविल कोर्ट में जाने का किसान का अधिकार को समाप्त कर दिया, केवल एसडीएम और कलेक्टर के ऊपर निर्भर कर दिया, इसके अलावा कोई किसान कहीं भी दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। आप बताइए कि जिले का कलेक्टर या एसडीएम किसान की मानेगा, या जो बड़े उद्योगपति मान लीजिए कल को अडानी सौदा कर लेता है पूरे देश की उपज का किसानों की का, तो उसकी मानेगा। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी खतरनाक है कि कोई भी व्यक्ति अपने को कंपनी का एजेंट बता करके किसान की उपज को अच्छे दामों में खरीदने का वादा करके किसान की उपज को ले जाएगा और पैसे नहीं देगा, गायब हो जाएगा, तो फिर वो किसान क्या करेगा? वो कोर्ट में जा नहीं सकता, वो एसडी और कलेक्टर के चक्कर लगाता फिरेगा। तो जो स्थितियां बनी है, इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किसान के हस्ताक्षर कराने का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अभियान चला रखा है, किसान बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले रहे हैं। 14 नवंबर को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और हमारे आलाकमान महामहिम राष्ट्रपति जी को 2 करोड़ लोगों के देश के किसानों के हस्ताक्षर करा करके ज्ञापन सौंपेंगे इन कानूनों को वापस लेने के लिए। और इसी कड़ी में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश हैं उसके मुताबिक कल 10:30 बजे
बिरला ऑडिटोरियम में जो कोरोना के अंतर्गत जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो एसओपी जारी की गई है, उसकी पालना करते हुए मास्क लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बैठने की व्यवस्था की गई है, वहां पर कांग्रेस के लोग और किसान संगठन जो इस बिल का विरोध जता रहे हैं या चाहे नहीं भी जता रहे हैं, उन किसानों को आमंत्रित किया गया है, जिससे ये स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि ये कानून किस प्रकार से किसान के खिलाफ है, उसको कमजोर करने वाला है, किसान को मजदूर बनाने वाला है, और उसके साथ में कितना बड़ा षड्यंत्र मोदी जी की सरकार करने जा रही है। और जैसा पता लगा है कि बड़े लोगों से काफी समय पहले से जो एफसीआई के गोदाम है उनका कॉन्टैक्ट किया जा चुका है, और ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट की शर्तों में डाला गया है कि उनके पास में रेल होनी चाहिए, देश के 70% इलाके में उनके पास बड़े गोदाम होने चाहिए। उन लोगों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ठेका दिया जाएगा जिससे किसान ठगासा महसूस करेगा और उसको दुगुनी कीमत दिलाने वाली, आय दुगुनी करने वाली, वादा करने वाली पार्टियां बड़े उद्योगपतियों को उनकी आय को 10 गुना करने के लिए, ये किसान की आय को घटाने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए 3 काले कानून लाए, जिसको हम लोग कल बैठ करके चर्चा करेंगे। आप सभी को भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यक्रम है, इसलिए आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग पधारे और जो लोगों के विचार हैं उसको सुने कि किस प्रकार से ये 3 कानून किसान के खिलाफ हैं और बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, AICC जनरल सेक्रेटरी जी स्वस्थ नहीं हो पाए हैं अभी पूरी तरीके से, काफी अच्छा स्वास्थ्य है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं, लेकिन प्रदेश के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, MLAs, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, सांसद प्रत्याशी, MLA प्रत्याशी, और राजस्थान में जो किसान संगठन किसानों के लिए आवाज उठाते रहते हैं और पत्रकार बंधु, इनको सबको आमंत्रित किया जा रहा है कि वो सब आए चर्चा करें कि मोदी जी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। बात किसान की, गरीब की, मजदूर की करते हैं और फायदा धनाढ्य लोगों को, बड़े लोगों को पहुंचाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या जनरल सेक्रेटरी हमारे इंचार्ज अगर जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसके लिए तैयार है। किसान ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज विपदा के समय हमारे साथ में खड़ी हो, और इसीलिए राहुल गांधी जी जब पंजाब और हरियाणा में गए तो किसानों का किस प्रकार से जलवा उनके साथ में लगा, और मजबूर होकर के नहीं चाहते हुए भी हरियाणा की सरकार को भी उनको जाने के लिए इजाजत देनी पड़ी। तो राजस्थान में भी अगर आते हैं तो हम सब लोग किसान और कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करेगी। एक सपोटरा में विवाद वाद भी बिल्कुल, जो FIR दर्ज हुई है पहले 307 में हुई, लेकिन फिर जब उसकी डेथ हो गई तो 302 में कन्वर्ट कर दिया गया है IPC की धारा 302 में, और पुलिस द्वारा सुरक्षा का पीड़ित परिवार को आश्वासन और पूरी व्यवस्था की गई है, और जो मुलजिम है
जिससे उनका पहले से विवाद था, उसको कैलाश मीना नामक व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जो सरकार को हमने परमिशन मांगी है, जितने की परमिशन गाइडलाइन के मुताबिक मिलेगी उसको हम लोग बुलाएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, इन तीनों चीजों की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सर, निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड साफ कर दिया है, तो पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई है। कोरोना संक्रमण होने के कारण से सभी पॉलिटिकल पार्टियां और आम जनता ये चाहती थी कि चुनाव थोड़ा सा और बाद में हो, जब ये संक्रमण कमजोर हो जाए या कम हो जाए, लेकिन संविधान की अपनी व्यवस्थाएं हैं, हमारी सरकार और हमारी पार्टी संविधान को मानती है, कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है, कोर्ट ने आदेश दिया है तो निश्चित रूप से हम और हमारी पार्टी और सरकार पूरी तरीके से तैयार है, नगर निकाय के चुनाव हो चाहे आने वाले पंचायत समिति के चुनाव। जब आचार संहिता की बात आएगी, चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, तो ऑब्जर्वर भी लगेंगे, प्रभारी मंत्री भी लगे हुए हैं, पार्टी के एमएलए हारे जीते भी हैं, तमाम वहां पर पूर्व विधायक भी हैं, संगठन के लोग भी, जो जिन्होंने 5-6 साल तक चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में चाहे जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया है, वहां के उस निकाय का प्रमुख जो पहले था पार्टी का या पार्टी की तरफ से लड़ा था, उन सब चीज व्यक्तियों से चर्चा करके और एक तरीके से जो पार्टी के प्रति लॉयल हो, जीतने वाला व्यक्ति हो, जीत करके फिर पार्टी के साथ धोखा नहीं करे, ऐसे व्यक्तियों को जनता के बीच में रहे, जनता का चहेता हो, ऐसे लोगों का सिलेक्शन करके और फिर टिकट वितरण का काम किया जाएगा, और निश्चित रूप से पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जो 1.5-2 साल का कार्यकाल है राजस्थान की सरकार का वो बहुत अच्छा है, 50% से ऊपर जो वादे सरकार ने घोषणा पत्र के माध्यम से किए थे वो पूरे किए जा चुके हैं, जनता के सामने रखे जा चुके हैं, कोरोना में बहुत ही ऐतिहासिक काम सरकार ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ विपक्ष की भूमिका में है वो पूरी तरीके से विफल रही है, विपक्ष के मुद्दे उठाने में उनको निर्देश मिलता है कि सरकार गिराओ, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई, तो वो उसमें लग जाते हैं, उनको निर्देश मिलता है कि मुख्यमंत्री के दावेदार बढ़ाओ जिससे पहले के सीनियर लोगों को कमजोर किया जा सके, उनको निर्देश मिलता है कि राज्यपाल के ज्ञापन एक नहीं देके 2 जगह 2 से दिलाया जाए, तो प्रदेश अध्यक्ष जब ज्ञापन दे देता है उसके बाद में दूसरा व्यक्ति उसी पार्टी का अगर कोई ज्ञापन देने जाता है तो ये दर्शाता है कि वो आपस के झगड़ों में टुकड़ों में बटे हुए हैं, जो विपक्ष की भूमिका उनको सरकार को गाइड करने में, सलाह देने में, सरकार की कमियां बताने में, योजनाओं की कमियां बताने में, जनता की समस्या बताने में जो उनको समय और श्रम शक्ति लगानी चाहिए वो नहीं लगा करके आपसी छींटाकसी में, आपसी नीचे गिराने में, कमजोर करने में और अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने में या बड़ा लीडर प्रोजेक्ट करने में लगाते हैं। आप देखिए, जो संगठन की गतिविधियां होनी चाहिए क्या वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रही हैं? चाहे हाथरस की घटना को लेकर के विरोध जताने की बात हो, चाहे मौन सत्याग्रह की बात हो, चाहे पहले भारतीय जनता पार्टी जब गिराना चाह रही थी षड्यंत्र करके तब लोग सड़कों पे आ गए थे, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को सब प्रदेश अध्यक्ष से कम कोई नहीं समझता है, और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी मजबूत है,
आज निवर्तमान जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब अपनी जिम्मेदारी बखूबी वैसे के वैसे निभा रहे हैं, बल्कि और बेहतर तरीके से जब बात आती है तो वो निभाते हैं। तो संगठन और सत्ता दोनों मिलकर के जनता के किए हुए वादों को भी पूरा करेंगे, राज्य सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिले, और जो आने वाले चुनाव चाहे कोई से भी हों उनमें मजबूती के साथ खड़े होकर के उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। और भारतीय जनता पार्टी के पास पौने दो साल में यहां बताने के लिए कुछ नहीं है। वो एक बात ऐसा नहीं कह सकते कि हमने इस बात के ऊपर जमकर के विरोध किया और सरकार को आड़े हाथों लिया हो। हाथरस की घटना का जिस प्रकार का घिनौना चेहरा योगी जी की सरकार का आया, उससे अपने आप को बचाने के लिए या उससे ध्यान पूरे देश का हटाने के लिए जानबूझ के यहां राजस्थान की सरकार में छोटी से छोटी भी कोई घटना हो उसको बढ़ा चढ़ा करके बताने का षड्यंत्र ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान की जनता समझती है। कहीं कोई कांग्रेस में दो खेमे नहीं है, एक खेमा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। यहां पर शानदार तरीके से सरकार और पार्टी चल रही है, हम सब लोग एक हैं। राजस्थान में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि बिना कांग्रेस पार्टी का भी बीजेपी का भी कोई व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, पत्रकार हो, किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ हो, उसके खिलाफ नाइंसाफी राजस्थान में नहीं होगी, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है जो सबको साथ लेकर के चलती है और सबका सम्मान करती है। हम तो हर तीसरे दिन आप लोगों से मिलते हैं, इससे ज्यादा फ्रेंडली क्या होगी। मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में किसी भी पत्रकार को या बिना पत्रकार को किसी भी व्यक्ति को नाजायज परेशान नहीं किया जाएगा, नाजायज उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त रह सकते हैं कि राजस्थान में किसी भी पत्रकार के खिलाफ किसी तरह की असंवैधानिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कानून अपना काम करता है, लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूं कि रिपोर्ट दर्ज होना अलग बात है, लेकिन किसी के खिलाफ गलत रूप से गिरफ्तार करना या चालान करना यह गलत रूप से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। थैंक यू। सरकार कभी भी किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश नहीं देती है। किसी भी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को, किसी पुलिस को अगर कोई बात लगती है, रिपोर्ट संज्ञान में आती है, लेकिन उसके ऊपर गलत कार्रवाई नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मैं पुनः कह देता हूं, आप जो चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस एक है, एक रहेगी, कोई दो गुट नहीं है, किसी के खिलाफ राजस्थान की सरकार या उसमें बैठा हुआ कोई भी अधिकारी चाहे वो पुलिस का हो किसी के खिलाफ बाइस होकर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, चाहे पत्रकार हो, जो पत्रकार के अलावा भी कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ नियम विरुद्ध कोई भी कार्रवाई राजस्थान की सरकार में नहीं होगी। थैंक यू। सब चाय पी के जाएंगे क्या? नीचे रखी है चाय की? यही कह दिया, तैयार हो जाए तो बुला लो भाई।
हाँ आराम से बनाओ भाई।